में पढ़ता हूँ कि ये किसने कहा तुमसे के दरबान रहेंगे, ये किसने कहा तुमसे के दरबान रहेंगे, ये बात गलत, हिंद में मेहमान रहेंगे। और टीपू ने ये साबित किया इस हिंद में मरकर सुल्तान थे, सुल्तान है, सुल्तान रहेंगे। भरपूर तालियों में इसके पास कागज नजरेगा। आज के इस इंतजामी मीटिंग के सदर मोहतरम लल्लू गौर साहब, शेख हफीज साहब, मंच के तस्लीम वर्मा, कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार हैं और इस मीटिंग के अंदर तस्लीम वर्मा, सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी माँ और बहन, इक्कीस अक्टूबर को महाराज जी का संसदीय का चुनाव होने जा रहा हाँ ले लिए ना भाई, और मालिकाओं शहर के अंदर कुछ बना रहा हूँ। सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है और 21 तारीख को इस बात का फैसला करना है कि आइंदा 5 साल इस शहर की नुमाइंदगी कौन करेगा, ये शहर के आवाम को फैसला करना है। वक्त मेरे पास बहुत कम है, कोशिश करूंगा मेरी बात मुकम्मल। एक तरफ महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड का हिन्दुस्तान के अंदर असेंबली का चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा इस मालेगांव शहर की आवाम फिक्र में है कि एनआरसी अगर हमारे महाराष्ट्र के अंदर लग गया तो मालेगांव शहर की आवाम और इस महाराष्ट्र की आवाम को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ ये बात है, तेजी का सामान लेने आया था फतेह मैदान में जलसे के अंदर भी मैंने वो बात कही थी और आज भी मैं वो बात को दोहरा रहा हूं कि मालेगांव शहर एक खूबसूरत गुलदस्ता है। अलग अलग कलर का फूल उसके अंदर लगा हुआ है। और मालेगांव शहर की खूबसूरती हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां की खूबसूरती अलग अलग कलर से भरी होगी। मालेगांव शहर के हमारे बुजुर्गों ने मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम सड़क लगाई और हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस पावर लूम सड़क से फायदा उठा रहे हैं, अपना रोजगार हलाल कमा रहे हैं। कोई मराठवाड़ा से आया, कोई विदर्भ से आया,
कोई खांडेश से आया, कोई कोकण से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, और जिस इलाके के अंदर ये जलसा हो रहा है यहां पर उत्तर प्रदेश से आने वालों की एक बड़ी तादाद किस इलाके के अंदर रहती है। अपनी रोजगार की तलाश में, अपने बाल बच्चों की दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए उत्तर प्रदेश से भी हमारे कई लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर, और कई लोगों ने यहां पर आकर बस गए और अपनी हलाल कमाई कमाकर अपने दो वक्त की बच्चों को रोटियां दे रहे हैं, उनका पेट भर रहे हैं। हमारे गांव शहर के अंदर जो असेंबली का चुनाव एक तरफ मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं और दूसरी तरफ शहर में यह कोशिश की जा रही है कि शहर को एक नया लेवल लग जाए, जो आज तक मालेगांव शहर और हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस शहर के अंदर नहीं हुआ वो करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद से एक पार्टी आती है, हमारे नौजवानों को जज्बात में लाकर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की वो आवाम को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उस बिहार की आवाम को कि हैदराबाद की बिरयानी को कभी भी वहां पर पसंद नहीं किया गया। और उत्तर प्रदेश और बिहार की आवाम सियासी फैसला बहुत सोच समझ कर लेती है और मुस्तकबिल के हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल को सामने रखते हुए फैसला करती है। आधार कार्ड अगर किसी को बनाना है, किसी को जन्म दाखिला बनाना है, किसी को राशन कार्ड बनाना है और किसी को रहवासी सर्टिफिकेट बनाना है तो एमएलए का लेटर की जरूरत होती है और सुपरमार्केट के मेरी ऑफिस के ऊपर मुझे बड़ी फिक्र है कि मेरी ऑफिस के ऊपर रोजाना 500 लेटर अगर जा रहे हैं तो मुमताज चौक से लेकर दरेगांव तक गोल्डन नगर के इतराफ के रहने वाले हमारे भाई बड़ी तादाद के अंदर रोजाना लेटर लेकर जा रहे हैं। मैंने मालूम हासिल की तो पता यह चला कि एनआरसी लग जाएगा तो कई आसाम की तरह हमारे नाम भी उस लिस्ट के अंदर ना आ जाए कि हम इस हिंदुस्तान के शहरी नहीं है। यह फिक्र सता रही है इस इलाके के लोगों को। आसाम के अंदर अगर एनआरसी लगी तो वहां पर 19 लाख लोगों के नाम उस फहरिस्त के अंदर आए हुए हैं कि वहां के रहने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान की शहरियत हासिल नहीं है
उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके पास जन्म दाखला नहीं है, उनके बुजुर्गों का जन्म दाखला नहीं है और उनको ये सब लिस्ट के अंदर उनका नाम डिक्लेयर कर दिया गया तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने एनआरसी वहां पर जो कानून को लगाया जो आसाम के अंदर लगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो भी आदित्यनाथ ने उसकी शुरुआत कर दी है, महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ये प्रोग्राम बना रही है कि एनआरसी यहां पर भी लग जाए। दो रोज पहले आप लोग उर्दू अखबारात उठाकर देखिए अमित शाह ने क्या कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी लगा दी जाएगी, वो कानून लगा दिया जाएगा तो आपकी फैमिली का सर्वे होगा, मेरी फैमिली का सर्वे होगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं या नहीं हूं। वो कानून हम लोगों को पता नहीं है एनआरसी क्या है। एनआरसी जो कानून बनाया गया है वो आसाम की हुकूमत ने जो लागू किया उनका मकसद यह था आसाम के अंदर जितने मुसलमान रहते हैं वो बांग्लादेश से और बर्मा के मुसलमान घुसकर हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे, यह मकसद था। और मरकजी हुकूमत ने यह कानून बनाया 1949 से लेकर 1970 तक कि हमारे दादा और दादाओं का दाखला चाहिए, जन्म का दाखला, मैयत का दाखला या वो स्कूल का दाखला चाहिए, हमारे दादाओं का दाखला चाहिए, बाप का दाखला चाहिए, उसके बच्चों का दाखला चाहिए, उनके बच्चों का दाखला चाहिए, उनके आधार कार्ड चाहिए, उनका शनाख्ती कार्ड चाहिए, राशन कार्ड में नाम चाहिए, जब जाकर ये साबित होगा कि हम हिंदुस्तानी है। और ये अगर एक पेपर भी कम होगा तो सरकार हमें ये बोलेगी कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। ये एनआरसी कानून आप मेरा सवाल इस शहर की आवाम से है, इस इलाके की आवाम से है, अगर हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी लग गया, महाराष्ट्र के अंदर एनआरसी लग गया, तो क्या हमारे पास ये सब सबूत है? मैंने पहले ही कहा कि मालेगांव शहर एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, अलग अलग रियासत अलग अलग गांव के लोग आकर यहां पर फंसे हुए हैं। आज मेरे परदादा जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुए, यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके परदादा दादा उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुए हैं, बाकी के सब लोग यहां पैदा हुए, कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मराठवाड़ा के अंदर उनके परदादा दादा पैदा हुए लेकिन बाकी लोग यहां पैदा हुए। आज सवाल वो तो दुनिया में नहीं है लेकिन आज तो हम इस मालेगांव शहर के अंदर रह रहे हैं।
मेरा सवाल है, अगर नाजी ने किया और ये शहर का लेबर अगर इस असेंबली के इलेक्शन के अंदर तब्दील हो गया तो मुझे बताओ क्या नजरिया होगा। हुकूमत का हमारे ताल्लुक से अगर हमारा कोई भाई पेपर जमा करने के लिए उत्तर प्रदेश जाएगा जहां पर एक फिरका प्रस्त वजीर आला बैठा है आदित्यनाथ, जहां पर वहां पर मुसलमानों को आज भी तकलीफ दी जा रही है, जहां पर रामपुर के अंदर आजम खान को छोड़ा नहीं जा रहा है, जहां पर वहां पर बड़े बड़े लीडरान मुस्लिम लीडरान को बख्शा नहीं जा रहा है, तो क्या जब आप मुलुक जाओगे, जब आप उन देहातों के अंदर जाओगे जहां आपके परदादा आपके दादा रहते थे, तो उस गांव का सरपंच, उस गांव के ऑफिसर आपसे सवाल करेंगे आज आप कहां रहते, तो आप क्या जवाब दोगे? मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र, मुझे बताओ कि अगर इस शहर के अंदर अगर हैदराबाद की बिरयानी को पसंद कर लिया गया और लेवल मुस्लिम फिरका परस्ती का लग गया इस शहर के ऊपर, तो इसका मैसेज उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान में क्या जाएगा? वहां का सरपंच, वहां का नगर निगम के ऑफिसरान बोलेगी वही मानेगा जहां पर हैदराबाद की बिरयानी को मतलब किया गया। क्या आप लोगों को ये नहीं कहे बोला जाएगा? क्या आपका दाखिला और परदादा का दाखिला तो यहां रिकॉर्ड ही नहीं है? क्या आपको यह नहीं बोला जाएगा कि आपके दादे का दाखिला नहीं है? ढूंढना पड़ेगा। इसकी सिर्फ वजह यह होगी कि हमारे गांव शहर के अंदर लेबल चेंज हो गया, वहां तो कोई इसलिए मैंने मुबारकबाद दी उत्तर प्रदेश से आवाज तो वहां के मुसलमानों को, बिहार के सीमांचल के मुसलमानों को, कि वहां पर ऐसी पार्टी को टिकने नहीं दिया गया, टिकने नहीं दिया गया। लेकिन इतना जरूर है कि आप समाजवादी पार्टी कि अगर वहां पर वर्कर हो गए तो वो चंद आपके साथ बोलेंगे कि दाखिला दे, वो सेकुलर पार्टी और वो दाखिला आपको देगा। वहां पर कांग्रेस पार्टी का मेयर लेकर होगा, शेख रफीक साहब का लेकर होगा, मैं विधायक रहूंगा, एमएलए रहूंगा, मैं लेकर दूंगा, तो वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता जाकर आपका दाखिला निकाल कर देगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों पर लड़ने के रहने तैयार होना पड़ेगा। आपको आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 21 तारीख को आप लोगों को यह फैसला लेना होगा कि हमको शहर के ऊपर सेकुलरिज्म का लेबल बरकरार रखना होगा, लेबल चेंज नहीं करना होगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं नहीं, अगर इस महाराष्ट्र के अंदर लग गया, हो सकता है कि एनआरसी इस मालेगांव शहर से शुरू हो जाए, क्योंकि यहां का लेवल चेंज होगा, गवर्नमेंट फिरका प्रस्तुत की होगी तो मुसीबत हमको उठाना पड़ेगी, हैदराबाद से लोग आकर मुसीबत में आपका नाम नहीं होगा।
के साना बसाना कांग्रेस के वर्कर खड़े रहते हम इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस एनआरसी कानून का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना में है। हम आपका साथ देने के लिए तैयार है दोस्तों। ये लड़ाई सियासी लड़ाई है, संबरी की इलेक्शन की, ये मजहबी लड़ाई नहीं है दोस्तों, एक कुर्सी की लड़ाई है। कुछ लोग आपके बीच में आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मजहबी लड़ाई है, ये एक सियासी लड़ाई है दोस्तों, और हमें सियासी फैसला लेना होगा और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस शहर के मुस्तकबिल के लिए, इस शहर की सड़क के मुस्तकबिल के लिए, इस शहर के दौलत के लिए हम लोगों को अच्छा फैसला लेना होगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप 21 तारीख के होने वाले चुनाव के अंदर पंजा निशान पर वोट देकर हर एक सरिये से मुझको कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।